उम्मीद है कि आप लोग खैर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 11th फिजिक्स गेस्ट 2024 के बारे में। स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज हम दिखाने जा रहे हैं आपको सवाल, जिसमें हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन वन सेकंड और वन लाइट ईयर, हाउ मेनी नैनो सेकंड मिली सेकंड इन वन ईयर, नेम सेवन रेपिटेटेड फिनोमिना अकरिंग इन नेचर विच वुड सर्व एज रीजनेबल स्टैंडर्ड्स। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे व्हाट डू यू फाइंड एंड इसी तरह डिफाइन एंड एक्सप्लेन सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसमें रेडियन एंड स्टेडियंस हैं, इसका पीरियड वाली डेफिनेशन है, डिफरेंट प्रीवियन प्रोसीजन एक्यूरेसी है। स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास डिमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी की है। इस तरह अपने जो है फार्मूला जो है हमारे पास एफ इक्वल टू जी एम और एम बड़ा है, और आर स्केयर इसकी अपने डिमेंशन फाइंड करना, जी का यूनिट फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरह अपने रैंडम एरर सिस्टमेटिक एरर की तारीफ करनी है। ये तो जो था शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वन से, इसमें लॉन्ग नहीं है। चैप्टर नंबर टू में हमारे पास है द वेक्टर सम ऑफ वेक्टर्स गिवन जीरो। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका दूसरा सवाल है, वेक्टर्स हाई इक्वल मैग्नीट्यूड कैन देयर सम बी जीरो, कैन यू ऐड जीरो टू नल वेक्टर्स, डिफरेंस बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड पोजिशन वेक्टर, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, डिफाइन यूनिट वेक्टर। इसी तरह अगले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने शॉर्ट करने 10 चैप्टर नंबर टू में से हैं। इसी तरह इसमें लॉन्ग कौन कौन से हैं और न्यूमेरिकल कौन से हैं। पहला है डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम के जरिए आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट्स और इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो न्यूमेरिकल में 2.5 एग्जांपल है, 2.7, 2.14 और 2.15 जो है ये न्यूमेरिकल हैं। चैप्टर नंबर थ्री के आपके सामने स्क्रीन में सवाल नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, इनको निशान लगा लें। इसके बाकी पार्ट के सवाल जो है आपको नीचे दिखाता हूँ फ्रेंड्स। बाकी इसके सवाल ये इधर आ चुके हैं हमारे पास, मोशन और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के हवाले से, सर न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है, उसके अलावा हमारे पास डिफाइन पल्स वगैरह और इसकी मोमेंटम के लिहाज तलक बयान करना होता है। इस तरह आगे सवाल दिए फ्रेंड्स, इसके अंदर 12 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें जो आपने करना है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है और इलास्टिक कोलिजन हैं, इसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, और एग्जांपल इसमें से है 3.2 और 3.5, और न्यूमेरिकल है 3.58 और 10-11। इस तरह चैप्टर नंबर फोर के अंदर देखें तो इसके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, इसमें प्रूव है, पी एजू एफ वी है, एस्केप वेलोसिटी है, और इसके अलावा न्यूमेरिकल टाइप है सवाल। इसके बाकी जो बार्ड के सवाल है हमारे पास इधर आ गए हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स कपलर थ्रू है स्टोन, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं, तो इसकी आपने बतानी है रोटेशन के लिहाज से। इसके बाद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, और इसके अलावा ये क्वेश्चन हमारे पास है न्यूमेरिकल के लिहाज से। जो देखा जाए तो हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड और कंजर्वेशन फील्ड में फ़र्क आपने बयान करना है। उसके बाद स्पेशल एनर्जी जो है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसके बाद एग्जाम्पल है 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 और 4.8 जो न्यूमेरिकल हैं। चैप्टर फाइव में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको ये स्क्रीन बना था, टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे तरीके से आप निशान लगा रहे हैं। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर लॉन्ग जो है वो ठीक है, दो लॉन्ग है हमारे पास, एक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और कैलकुलेशन है, काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी का फार्मूला यूज़ करना है। न्यूमेरिकल इसमें 5.2, 5.3 और 5.6, 5.9 और 10 है। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर सिक्स में इसमें डिफाइन विस्कोसिटी ड्रैग फोर्स और इसके अलावा ड्रॉपलेट्स आ गए, 3 सवाल आ गए। बाकी स्टूडेंट्स इधर आगे हमारे पास है, इसमें डिफरेंस बिटवीन लीनियर और टर्बुलेंट फ्लो है। चलो बाकी ये इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर सेवन में स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेम टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सच है समराज ये होता है सर। ये बाकी जो सवाल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं निशान लगाते हैं, ज़्यादा नहीं है सिर्फ ये 10 सवाल है इस चैप्टर में से, शॉर्ट है। लॉन्ग जो आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके अंदर न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम्पल है 7.2, 7.3 और एग्जाम न्यूमेरिकल 7.1, 4 और 5 करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर एट में से जो स्टूडेंट्स सवाल हैं वो आगे आगे हमारे पास ये है, फीचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और इसके अलावा इनकी ट्रांसवेव्स में फ़र्क, उसके बाद क्रस्ट ट्रफ नोड और एंटी नोड में फ़र्क आपने बताना है। इसी तरह अगले क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर आ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारे पास है, और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर नाइन में हाइजन प्रिंसिपल जो है, इसके अलावा अदर भी सवाल दिए, टोटल 9 क्वेश्चन है जो आप लोग याद करने, और साथ में इसमें जो हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है चैप्टर नंबर नाइन में से जो आप लोगों ने करना है, और इसके अलावा 2 क्वेश्चन ये इसके अंदर है एक्सरेज के वाले से मेरिकल, इसमें 9.3, 9.6, 9.7, 8 है। चैप्टर 10 के ये सवाल आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 9 करने हैं और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन इसके ये वाले हैं। उसके बाद चैप्टर 11 जो है इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स ये सवाल दिए गए हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने करने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन है और लास्ट पे इसका लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है। स्टूडेंट्स ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग न्यूमेरिकल्स, कंप्लीट गैस जल्द हाजिर होंगे एक नए गैस के साथ।